मुरैना के अंबा में बीजेपी के कमलेश जाटव ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के सत्य प्रकाश सखवार को हराया है। बाद में विजयी घोषित हुए भाजपा के प्रत्याशी कमलेश जाटव, जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, अहम मुद्दा चला था टिकाऊ और बिकाऊ वाला, किस तरीके से जनता ने बहुमत दिया है, क्या लग रहा है कि ये टिकाऊ और बिकाऊ वाला जो कांग्रेस बराबर इस मुद्दे को घुमा रही है। कांग्रेस के पास सिवाय झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा तो था ही नहीं। कभी उनने विकास की बात तो की नहीं। अब उन पर एक ही मुद्दा था कि ये बिकाऊ है, ये टिकाऊ नहीं है। तो मैंने भी कई बार इस चीज़ का कहा था कि टिकाऊ बिकाऊ आपके कहने से कुछ नहीं होगा, इसका परिणाम हमारे क्षेत्र की जनता देगी। जिसका विकास और बिना विकास, जो 15 महीने के कार्यकाल में हम नहीं काम करा पाए, वो 5 महीने के कार्यकाल का आज ये रिजल्ट है। और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभारी हूँ, अपने पूरे क्षेत्र की जनता का विशेष मैं आभारी हूँ। ये जीत जो हुई है, जीत का पूरा श्रेय किसको देना चाहते हैं? कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनको जीत का श्रेय देना चाहते हैं? मेरे यहाँ क्षेत्र में सबसे पहले मैं श्री अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब जैसे ही मैं देखता हूँ क्षेत्र की जनता की जो उनकी मांगे हैं उनको पूर्णतः मैं उनके साथ रहूंगा और जो उनका आदेश होगा उनका मैं पालन करूंगा। मैं तो उनका एक सेवक हूँ, सेवक का काम होता है कि जो मेरी क्षेत्र की जनता मुझे आदेश करेगी उसका मैं पालन करूंगा। ये थी अम्बा से विधायक कमलेश जाटव जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार ना टिकाऊ ना बिकाऊ चला। जनता ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से विकास की ओर क्या कहते हैं मुझे आशीर्वाद दिया और मैं विकास पे चुनाव जीता हूँ और आगे भी अम्बा विधानसभा के लिए नित्य नए आयाम विकास के आएंगे। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना।